दुनिया भर में भूमाफिया नाम से बदनाम चीन को भारत ने एक बार फिर उसी की चाल में फंसा दिया। अब चारों खानोचित होने के बाद चीन ने भारत से बचने के लिए आसियान देशों को अपनी ढाल बनाने की योजना बना ली है। इसके लिए चीन ने भारत के तेज तर्रार रुख और क्वाड संगठन में भारत की सक्रियता की वजह से आसियान देशों को संप्रभुता की दुहाई दी है। अब ऐसा क्यों कर रहा है चीन और इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की दोस्ती, और इसी दोस्ती से परेशान चीन ने आसियान देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया और इन्हीं देशों के नाम पर चीन अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। हालांकि ये सबको पता है कि चीन और आसियान देशों के बीच विवाद काफी ज्यादा गहरा है। दरअसल आसियान देशों के इस ग्रुप में फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया आते हैं, जिनसे चीन ने पहले ही धूर्तबाजी की है। लेकिन चीन के बारे में तो सब जानते हैं, यानी कि जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही चीन अपने मुनाफे, फायदे और नुकसान को देखते हुए रंग बदलता रहता है। और अपनी इसी नीति के तहत चीन आसियान देशों को व्यापार में छूट देने के नाम पर एक बार फिर से आसियान देशों को अपने पाले में लाना चाहता है। इसी वजह से अभी पिछले महीने में ही भारत से घबराए हुए चीन ने आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, और इसके पीछे की वजह थी आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते खतरे से निपटारा। हालांकि वैसे तो बता दें कि जिस तरह भारत, अमेरिका और जापान को चीन खतरा मानता है, वैसे ही चीन भी इन देशों को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। खैर, जब आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन की बात नहीं बनी तो चीनी मीडिया सिन्हुआ के मुताबिक चीन आसियान देशों को व्यापार के नाम पर लुभाने के चक्कर में लग गया। इसके लिए उसने बड़ी चाल चली है और आसियान देशों के आंतरिक परियोजनाओं में सहयोग देने तक को बोल दिया है। वैसे जब जब चीन की चालबाजी धराशाही हो जाती है तो चीन अपने पैसे और व्यापार का सहारा लेता है, लेकिन इस बार चीन की ये चालबाजी भी काम नहीं आ रही, क्योंकि सबसे पहले तो फिलीपींस ने चीन को यहाँ तक कह दिया कि चीन के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। इसके बाद मलेशिया का नंबर आता है, जिसने ये कह दिया कि चीन पर भरोसा करना यानी कि अपने देश की संप्रभुता से समझौता करने के बराबर है। और इंडोनेशिया ने चीन के विरुद्ध अपने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का ऐलान करके चीन को साफ संदेश दिया है कि इंडोनेशिया को भी चीन पर एक रत्ती का भरोसा नहीं है। और तो और, वियतनाम ने तो पहले से ही चीन को अपना दुश्मन बना लिया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत के विरुद्ध आसियान देशों को मोहरा बनाने की चीन की योजना शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।